हमारे तीर्थ सिंह जी बहुत ही नाम ही तीर्थ है इनमें, माता पिता ने इनकी माँ से भी मिला, इतनी निर्दोषता उनके भीतर कि बस ऐसे निर्दोष माँ की कोख से ऐसे दिव्य बालकों का जन्म होता है। बहुत बहुत अभिनंदन। भारत माता की। भारत माता की। जड़ी बूटी दिवस समारोह के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित उत्तराखंड सरकार के महामहिम राज्यपाल और जिन्होंने संपूर्ण जीवन भारत माँ की सेवा में लगाया और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हमेशा उन्होंने अपने को तैनात रखा, आदरणीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, और अभी हम सब लोग जिनको सुन रहे थे, जिन्होंने योग हो आयुर्वेद हो उसको संपूर्ण दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया, जन जन का योग बनाने का काम किया, ऐसे श्रद्धेय स्वामी पूज्य रामदेव जी। और आज जड़ी बूटी दिवस के अवसर पर जो आयुर्वेद में श्रोमणि और जिनका अभी हमने यहाँ पर 75 जो बड़े बड़े ग्रंथ जिनको मैं कहूँगा उनका यहाँ पर हमने लोकार्पण किया, और हर क्षेत्र में जिन्होंने एक अनुसंधान किया है, पिछले दिनों कृषि के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, जैविक खेती के क्षेत्र में, अनेकों क्षेत्रों में, जड़ी बूटियों के क्षेत्र में हमने एक बैठक रखी थी देहरादून में पूरी सरकार के साथ। उसमें मैंने आपने देखा कि कितने नाना प्रकार का अनुसंधान आपने किया है। ऐसे श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, आज उनका जन्मदिवस है, मैं इस उनके आज के जन्मदिवस के अवसर पर उनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि भगवान उनको शतायु बनाए, दीर्घायु बनाए, स्वस्थ रखें। और जैसा सोमा जी ने यहाँ से कहा कि आज इतना बड़ा विशाल, मैं कहूँगा कि विशाल क्षेत्र उन्होंने जिसका निर्माण श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी ने मिलकर किया है, वास्तव में किसके लिए किया है यह भी एक शोध का विषय है। मैं तो सोमा जी से कहूँगा, दीदी अगली बार आप अपनी किताब में जो है इसको भी उद्घाटित करिए, इस बात पर सबको तालियां बजानी चाहिए। मंच पर विराजमान उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, आदरणीय सुबोध उनियाल जी, आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, और महामंडलेश्वर स्वामी अर्जुन पुरी जी, रुड़की क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, स्वामी दामोदर दास जी बड़ा अखाड़ा, स्वामी कमलदास जी उदासीन अखाड़ा, भाई सुरेश राठौर जी हमारे पूर्व विधायक, भाई संजय गुप्ता जी हमारे पूर्व विधायक, और हमारे समस्त मंचासीन सभी पूज्य स्वामीगण, पूज्य संतगण इस कार्यक्रम में पधारे बड़ी संख्या में, पतंजलि योगपीठ, अनेकों संस्थाओं से जुड़े हुए और पूरे देश भर से आए हुए मेरे सभी प्रिय भाई बहनों, मैं आज के इस शुभ अवसर पर आप सबको अपनी तरफ से प्रणाम करता हूँ, सबको नमन करता हूँ। आज हम सभी के प्रिय महान ऋषि परंपरा के अनुगामी जड़ी बूटी के परम ज्ञाता और इनका प्रचार प्रसार कर आयुर्वेद की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे स्वामी आचार्य बालकृष्ण जी का जन्मदिवस है, मैं उन्हें कोटि कोटि शुभकामनाएं देता हूँ और दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। कहते हैं आयुर्वेद के महान मर्मज्ञ महर्षि चरक ने कहा
स्वतस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रसमन्नम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी को रोग मुक्त करना ही आयुर्वेद का उद्देश्य है। आज मैं पूर्ण गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पूज्य स्वामी रामदेव जी के मार्गदर्शन और आचार्य बालकृष्ण जी के निर्देशन में पतंजलि परिवार इस कथन को एक एक अक्षर सह उसको सिद्ध कर रहा है, इसलिए मैं आप दोनों कर्मयोगियों को हृदय से नमन करता हूँ। जैसा कि स्वामी जी ने स्वयं ही कहा, पूज्य माता जी भी बैठी थी चली गई, जो कह रही थी कि राम और कृष्ण जब हो तो यहाँ पर चली गई ना माता जी, चली गई। और माता जी इतनी आज प्रसन्न देख रहा था मैं, माता जी को प्रसन्नता देखकर, उनकी इस आयु में भी उनके अंदर जो जज्बा देखकर कि सच में महान है वो माँ जिन्होंने अपनी कोख से स्वामी रामदेव जी जैसे हमारी महान आत्मा को उन्होंने जन्म दिया। और ये दोनों के दोनों, इनके लिए कह सकते हैं कि दो दो मूर्तियां, दो दो मूर्तियां और एक सूरतिया। आज हम जहां इस दिवस को जड़ी बूटी दिवस के रूप में मना रहे हैं, भाइयों बहनों, ये आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, इसे समग्र मानव दर्शन के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। यह हमारी एक ऐसी विरासत है जिसमें संपूर्ण विश्व का कल्याण सुनिश्चित किया जा सकता है। और पिछले दिनों जब कोरोना महामारी आई थी तो जब सारी दवाइयां शुरू में फेल हो गई, कोई दवाई काम नहीं आ रही थी, हमने देखा उस समय किस प्रकार से दुनिया ने आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपनाया, आयुर्वेद की विधि को अपनाया और अपने जीवन को सुरक्षित पाया। अभी पिछले दिनों हमारी हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी और उसमें हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि मैंने आयुर्वेद को अपनाया है और मैंने आयुर्वेद को अपनाने के बाद अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन पाया है, किस प्रकार से स्वस्थ रहने की यह विधा है। आयुर्वेद जीवन का एक समग्र विज्ञान है, इसी कारण आज दुनिया बहुत सारी चीजों के बाद भी आयुर्वेद की जो स्वीकारता है वो लगातार बढ़ रही है। आयुर्वेद केवल किसी रोग के उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय दर्शन में से जीवन के मूल ज्ञान के रूप में भी स्वीकारा जा रहा है, इसलिए इसे पंचम वेद की संज्ञा भी दी गई है। पंचम वेद हमारा आयुर्वेद, और आयुर्वेद किसी रोगी को रोग को ही दूर नहीं करता है, बल्कि उसकी मनोस्थिति को भी बदलता है, उसके भीतर एक करुणा का भाव जागृत करता है और रोगी की संवेदनशीलता को सशक्त करता है, उसकी मानसिकता में सकारात्मकता लाता है। आयुर्वेद तन के साथ साथ मन के स्वास्थ्य की भी चिंता की जाती है आयुर्वेद में। आयुर्वेद जीवन के शरीर इंद्रिय मन आत्मा के एक समन्वित स्वरूप को देखता है। भाइयों बहनों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति आई है, जहां योग बढ़ा है। योग के क्षेत्र में आपने देखा होगा 21 जून को दुनिया के अंदर मनाया जाने वाला योग दिवस, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे विश्व के अंदर उसको स्वीकारता मिली है। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज आचार्य जी ने भी कहा कि हम जहां 2,00,000 झंडे बहुत सारी संस्थाओं को दे रहे हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से उनको हर घर तिरंगा अभियान को फहराने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा है उत्तराखंड सरकार के भी विभिन्न कार्यालयों पर 50,000 झंडे लगाने का काम पतंजलि योगपीठ के द्वारा किया जाएगा। मैं कहूँगा आचार्य जी, ये 50,000 झंडे, जिस प्रकार से हमारा पतंजलि योगपीठ आज पूरी दुनिया के अंदर इसका एक अलग स्थान है,
ये 50,000 झंडे आचार्य जी कम है, जितना बड़ा नाम है उसमें कम से कम 5,00,000 झंडे जो है आपकी तरफ से फहराए जाने चाहिए। अब 2,00,000 हो रहे, 3,00,000 और बढ़ा दीजिए अब आप मेरे। अच्छा, अब जितने बन जाए उतने बना दीजिए आप, आगे चलता रहेगा कार्यक्रम। हाँ हाँ, चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई साहब। तो मैं कह रहा था कि उसी तरह से जहां आजादी के अमृत महोत्सव को हम मना रहे हैं, हर घर तिरंगा हमारा जाएगा। आप सब सौभाग्यशाली, हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय में हम जहां आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया जा रहा है, वहीं हम आचार्य बालकृष्ण जी का जन्म दिवस भी मना रहे हैं जड़ी बूटी दिवस के रूप में। और वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस आजादी के अमृत महोत्सव में शिक्षा को भी आजाद करने का काम किया है। भारतीय शिक्षा परिषद का जो उन्होंने गठन का निर्णय लिया है, भारतीय शिक्षा बोर्ड को उन्होंने जो गठन का निर्णय लिया है, वह अपने आप में एक स्वागत योग्य कदम है। मैं आप सब की तरफ से चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का इसमें अभिनंदन किया जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बीते दिनों संपन्न हुए एक वैश्विक कार्यक्रम में आयुर्वेद के महात्म्य पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि प्लांट से लेकर आपकी प्लेट तक शारीरिक मजबूती से लेकर मानसिक कल्याण तक आयुर्वेद ही अत्यधिक प्रभावी है, केवल और केवल आयुर्वेद। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का साफ संकेत था कि उन्हीं जड़ी बूटियों की तरफ था जिनका उपयोग हम सदियों से करते आए हैं। हल्दी से लेकर अजवाइन तक और आंवला से लेकर एलोवेरा तक, ये सब हमारे खान पान और रसोई घर के अभिन्न अंग रहे हैं। आज इसके गुणों से पूरी मानव जाति लाभ ले रही है। हमारी पहाड़ी रसोइयों में तो इस मामले में और अधिक ही समृद्ध रही है। हमारे आसपास उगने वाली जो वनस्पतियां हैं वो ऐसे गुण रखते हैं जिनसे शरीर सबल रहता है। अनेकों विद्वानों ने मध्य हिमाचल हिमालय के जंगलों में मिलने वाली वनस्पतियों को स्वास्थ्यवर्धक, निरोगी और दीर्घायु बनाने वाला बताया है और माना है। रामायण में भी हमको बताया गया कि लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी वीर हनुमान जी हमारे ही इस हिमालय क्षेत्र से लाए थे। क्यों आचार्य? उत्तराखंड से लेकर गए थे। क्यों स्वामी जी, सही है ना? आचार्य जी वो तो संजीवनी लेके आए थे ना पहाड़ से पिछले दिनों, शोध चल रहा है उस पे अभी। शोध चल रहा है? हाँ। तो मैं पूरा होने के बाद सबसे पहले आप ही को खिलाएंगे। ठीक है। तो मैं आज के अवसर पर आप सबका बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद करते हुए, जिस तरह से हमारा पतंजलि योगपीठ काम कर रहा है, स्वामी रामदेव जी के आशीर्वाद में, उनके मार्गदर्शन में और श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के सानिध्य में लगातार इसका काम आगे बढ़ रहा है। और लगातार मैं एक सभी कार्यक्रमों में मैं जाता हूं तो उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते आप सबके आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। इस बार हमारे यहाँ चार धाम यात्रा अभी संपन्न नहीं हुई, चल रही है। चार धाम यात्रा में 30,00,000 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं, जो अपने आप कावड़ में तो कितने आए थे वो भी तो बताओ। जहां चार धाम यात्रा में 30,00,000 का आंकड़ा पार कर गया है, कावड़ में हमारा 4 करोड़ से भी ज्यादा का आंकड़ा इस बार ऐतिहासिक रहा है। और पहली बार कावड़ यात्रा के लिए हमने उत्तराखंड सरकार की तरफ से, चूंकि हर बार कावड़ यात्रा होती थी तो कावड़ यात्रा केवल हमारे जिले के संसाधनों पर छोड़ दिया जाता था, तो मैंने स्वयं यहां पर आकर इसकी समीक्षा बैठक ली। और समीक्षा बैठक में जब मैंने पूछा
कि कुंभ में कितने लोग आए थे? उन्होंने कहा साहब इतने लाखों लोग आए थे। मैंने कहा कावड़ में कितने लोग आने वाले हैं? तो उन्होंने कहा करोड़ों की संख्या अनुमानित है। मैंने कहा जब कुंभ में लाखों लोग आए हैं, उसमें हमने कई करोड़ों का बजट इसमें लगाया है, उनके संसाधन बनाए हैं, तो कावड़ यात्रा में जहां हमारी इतनी बड़ी संख्या आने वाली है, तो कावड़ यात्रियों के लिए और कावड़ श्रद्धालुओं के लिए, शिव भक्तों के लिए भी सरकार की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए हमने इस बार पहली बार उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार हमने बजट का प्रावधान किया, और मुझे खुशी है कि पूरे देश भर के जितने भी शिव भक्त आए थे, वो सारे के सारे हम सब उत्तराखंड वासियों को अपना आशीर्वाद देकर गए हैं, खुशी से अपना आशीर्वाद देकर गए हैं। भाइयों बहनों, चूंकि काफ़ी लंबा कार्यक्रम हो गया है, और अभी माननीय गवर्नर साहब को बोल रहे हैं, स्वामी जी का भी इसमें आशीर्वचन मिलने हैं, मैं आप सब से इतना कहना चाहता हूं, और मैं आचार्य जी से, श्रद्धेय स्वामी जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमने 2025 जब हमारे इस राज्य के गठन के 25 साल पूरे होंगे, उन 25 सालों के पूरे होने के अवसर पर जैसे आज हम श्रद्धेय आचार्य बालकिशन जी का 50वां जन्म दिवस धूमधाम से मना रहे हैं, उसी प्रकार से हम राज्य की स्थापना का 25वां जन्म दिवस रजत जयंती वर्ष के रूप में, आज इनका हमारा गोल्डन जुबली हो रहा है, वो हमारा सिल्वर जुबली होगा। उस सिल्वर जुबली के अवसर पर हमारा जहां पतंजलि योगपीठ, हमारी अनेकों संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, स्वैच्छिक संस्थाएं, व्यक्तिगत रूप से सभी लोग आगे आ रहे हैं, मैं सबका आह्वान कर रहा हूं, सबसे निवेदन कर रहा हूं, तो आप सबसे निवेदन करता हूं, और स्वामी श्रद्धेय रामदेव जी से और आचार्य बालकिशन जी से भी अनुरोध करूंगा कि 25 साल पूरे होने के अवसर पर हमारा पतंजलि योगपीठ भी, जो हमने एक कल्पना रखी है, एक रोड मैप रखा है कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य होने की श्रेणी में होंगे उस समय, और उसमें हमारे योगपीठ का बहुत बड़ा योगदान होगा। योगपीठ भी कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम जरूर देगा, मैं आचार्य बालकिशन जी से पहले ही निवेदन कर चुका हूँ, श्रद्धेय स्वामी जी से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि जो लोग कहें कि उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस पर पतंजलि योगपीठ के द्वारा भी देश को एक ऐसा कार्यक्रम दिया गया है, एक ऐसा काम वहां से किया गया है, जो पूरे हिंदुस्तान के लोग कहें कि उत्तराखंड की स्थापना दिवस के 25वें वर्ष के लिए उन्होंने ये काम किया। तो मैं आज के अवसर पर पुनः आचार्य जी का बहुत अभिनंदन करते हुए, उनको शुभकामनाएं देते हुए, ये कहते हुए कि भाइयों बहनों, आज स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी, जिन्होंने भारत के योग और आयुर्वेद को विश्व में एक नई पहचान दी है, एक बार पुनः मैं आप दोनों महान विभूतियों द्वारा किए जा रहे लोक कल्याण के कार्यों को नमन करता हूं, और आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए, बहुत बधाई देते हुए आचार्य जी को फिर से, और एक मैं आज यहां पर घोषणा करता हूं, जहां जड़ी बूटी दिवस के अवसर पर कि नेचुरोपैथी डॉक्टर्स, इनके रजिस्ट्रेशन को भी शीघ्र उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने बहुत दिनों से कहा था। मैं चाहूँगा कि पतंजलि परिवार उत्तराखंड में एक विश्व स्तरीय नेचुरोपैथी अस्पताल खोलने में हमारी सरकार की और यहाँ के जनमानस की मदद करे, सहयोग करे, जिससे कि हम नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार का कार्य और अधिक तेजी से कर सके। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए हमारे पुष्कर सिंह धामी जी का, जो इनको बोलते हैं वो अपने कर्तृत्व से करके ही दिखा देते हैं, इतने विनम्र, इतने सहज सरल हमारे मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।